वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। आप सबने मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब स्टोरी एंजॉय करते हैं, द यूनिक लव स्टोरी चैप्टर 9। आप लोगों को वेलकम नामजिन के एंगेजमेंट सेरेमनी में। चलिए देखते हैं हमारे कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। एक्साइटमेंट में जिमिन और ते नींद से जल्दी उठ गए थे। जिंदी अब उठो, कितना सोगी, उठो ना दी। अरे जिमिना, ते तुम लोग इतना सुबह सुबह। दी उठो ना जल्दी, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, उठो ना। ते सुबह के 5 बज रहे हैं, इतना जल्दी रेडी होके क्या करूंगी मैं, तुम लोग पागल हो गए हो सही में। लाची बोला ना। हाँ दी, खुशी के मारे पागल हो गई हूँ मैं, आपकी शादी हो रही है। शादी नहीं जिमिना, एंगेजमेंट हो रही है मेरी। शादी और एंगेजमेंट में फर्क है। हैं? हाँ हाँ वही वही, एक ही बात है। आप भी ना जिंदी, बस इमेजिन कीजिए, आप सिंड्रेला की तरह तैयार होके नमजुन प्रिंस के पास जाओगी। डिज्नी मैजिकल वाला फील आ रहा है। हाँ लेकिन जिंदी अपना हिल बचा के रखना, खो गया तो क्या होगा। ते मूवी के ना बीच वाला सीन में ज्यादा मत जा, लास्ट वाला वेडिंग सीन में फोकस मार। आय हाय मजा आ जाएगा। तो फिर ठीक है। वेडिंग नहीं है ये, एंगेजमेंट है। हाँ वही जिंदी, लाची बोला ला, ए लाची बोला ला, ओ लाची बोला ला। तुम लोग सुबह के 5 बजे ये सब सोच के मेरा नींद क्यों बर्बाद कर रहे हो। सही में तुम लोग सच में पागल हो गए हो, और कुछ नहीं बोलना। ओ जिमिना इतनी क्यूट क्यों है तू। नहीं ना दी, उठो ना लेट हो जाएगा, प्लीज दी उठ जाओ प्लीज। ओ मेरी प्यारी बच्चिया, ऐसे नहीं करते, अभी बहुत टाइम है बाबा। शुगा, ए शुगा, ए बिल्ली के बच्चे, और कितना देर है, कब जाएंगे हम लोग। हाँ यार एंगेजमेंट भाई की है, तेरी नहीं है, सोने दे यार, रात से ये पूछ पूछ के मेरा नींद का करेला जूस बना दिया है। अपने रूम में जा यार, सो जा प्लीज यार ओबी। हाँ मैं अपने रूम में जाऊंगा तो मुझे एक्साइटमेंट में नींद नहीं आएगा यार। शुगा उठना, उठ जा यार। तो यहाँ भी रात से जगा हुआ है और मुझे भी जगा के रखा है यार, प्लीज सो जा वरना अपने रूम में जा। भाई आप लोग सो रहे हो क्या। अरे यार आजा, तेरी ही कमी थी, आजा तू भी आजा। मैंने क्या किया है, मैं तो बस पूछने आया था कि हम लोग कब जाएंगे, है ना। मैं क्या करूं, कितना पाप किया था पिछले जन्म में कि तुम लोग जैसा भाई मिला। ए शुगा बता ना कब जाएंगे। हाँ ये शुगा चिल्ला क्यों रहा है, क्या हुआ इसको, क्या हुआ शुगा, तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है। भाई ये दोनों रात से मुझे पागल कर दिए हैं, सुबह कब होगा कब जाएंगे ये पूछ पूछ के मुझे पागल बना दिए हैं। भाई आप कुछ बोलो इन्हें। हाँ भाई आप ब्लश कर रहे हो, इस घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब अपने अपने में पड़े हुए हैं, कोई मुझे पूछे जा रहा है, कोई बीच रात में आके मुझे जगा रहा है, कोई ब्लश कर रहा है, सही में मेरा कोई नहीं है। मैं भी बहुत बेताब हूँ जीनू से मिलने के लिए, हम लोग जिंदगी में ऐसी खुशी को
कभी भी महसूस नहीं किए हैं। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, लेकिन भाई सोना भी तो जरूरी है ना, कल इतना काम है। शुगा सही बोल रहा है, अब तुम लोग सो जाओ, ठीक है ना? ठीक है भाई, हम लोग सो जाते हैं। आजा छोटे, मेरे पास आके सो। शुगा भाई, सुबह हो गया है, अब उठ जाओ। कोई बचाओ मुझे। यार म्याऊ म्याऊ मत कर, अब उठ जा, 5 बज रहे हैं। हेलो, हाँ जिमिना बोलो। लाची बोला ना, उठाओ बिल्लू छुपा गई है। जिमिना तुम भी। अब तेरा क्या होगा बिल्लू? मजा आ गया। मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना शुगा? यार पता नहीं क्यों बहुत टेंशन हो रही है, अजीब सा हो रहा है। आप इतना टेंशन मत लो भाई, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है ना? भाई जिंदी कब आएगी? हम लोग तो आ गए, वो इतना लेट क्यों कर रहे हैं? देख भाई पहले से ही टेंशन में है, और ज्यादा टेंशन में मत डाल भाई को, ठीक है ना? हाँ जीनू, माय क्वीन, कितनी खूबसूरत लग रही है। ओह माय गॉड, मैं खुद को रोकूं कैसे? मैं कैसी लग रही हूँ नमजुन? हाँ क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ जीनू, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ सच में? थैंक यू नमजुन। हाँ ओ मेरी जिमिना, कितनी प्रिटी लग रही हो तुम। बिल्लू तुम तो बहुत हैंसम लग रहे हो, क्या बात है। ओ जिमिना तुम बहुत डिलीशियस लग रही हो, मेरा मतलब तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ बिल्लू मैंने सब सुन लिया। वाओ इतनी ब्यूटीफुल कोई कैसे लग सकता है? मुंह बंद कर लो कुकी, सब देख रहे हैं। मुझे पता है मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ। हाँ नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जिंदी को देख रहा था, और तुमसे ज्यादा तो मैं हैंडसम लग रहा हूँ। आज यहाँ सब मुझ पे फ्लैट हो जाएंगे, तुम देख लेना, 4-5 लड़की तो पट भी जाएगी। जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे मेरी तीते गुस्सा हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था बाबू। तुम बहुत प्रीटी लग रही हो तीते, मन तो कर रहा है खा जाऊं तुम्हें। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यार कोई मुझे एक्सपायरी डेट जहर ला दो, मैं खा के यही मर जाता हूँ। यार मैं भी यहाँ हूँ, कोई मुझे भी कॉम्प्लीमेंट कर दो यार, कभी कभी सच में बहुत लोनली फील होता है। अरे कोई एक गर्लफ्रेंड पटा दो यार। तुझे स्प्राइट पीने से फुर्सत मिलेगा तब तो कोई गर्लफ्रेंड पटाएगा ना। होबी तुम शुगा का बात मत सुनो, ठीक है ना? ये बुल्लू ऐसे ही बोलता रहता है, इसका बात मत सुनो। और लोनली भी फील मत करो, आप बहुत हॉट लग रहे हो होबी भाई, फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। क्यों जिमिंदी? यू आर राइट ते भाई, ते बिल्कुल सही बोल रही है, जितना दिन बीत रहा है ना आप बहुत हॉट बनते जा रहे हैं। क्या बात है ओबी भाई, कुछ अलग कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या? क्या यार अब थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है ना? नहीं ओबी कुकी सही बोल रहा है। बताओ ओबी भाई क्या हुआ, बताओ बताओ। मेरे ओबी भैया, मेरे ओबी भैया। अब शुरू करें? मैं अपनी बड़ी बेटी, मेरा दिल का एक टुकड़ा, मेरा गुरूर तुम्हें सौंप रहा हूँ नमजुन, तुम इसका ख्याल रखना। और तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को अपना बेटा मानते हुए मेरी जिन, मेरी प्रिंसेस आज से तुम्हारी। नहीं पापा, जिन आपकी थी और आपकी ही रहेगी, मैं बस उसका एक पार्ट हूँ। मैं वादा करता हूँ पापा,
मैं जिया नामजुन, आपका, जिन का और मेरी दो बहनों का पूरा ख्याल रखूंगा। ओ नामजुन, एक दिल कितना भर जीतोगे। मैं किम स्योक जिन, इतना दिन जैसे जिमिनी और तेते को संभाल रही थी, बिल्कुल वैसे ही शुगा, होबी और कुकी को संभालूंगी। I promise। तो जिंदी, नमजुन भाई को कौन संभालेगा? तो चुप कर गधा कहीं का। जिंदी, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ बाबा, तुम्हारे नामजुन भाई को भी मैं ही संभालूंगी, ठीक है ना होबी? वैसे भी आपके अलावा और कोई भाई को संभाल भी नहीं पाएगा, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करते रहते हैं। आप अपना सामान ना थोड़ा बचा के रखना भाई से। शुगर सही बोल रहा है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, बस हो जाता है। अब रिंग पहनाओ एक दूसरे को। अब मेरी बारी, मैं कुछ प्रॉमिस करना चाहता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ भैया? ओके, आज से आप हमारी जिंदी नहीं, भाभी हुई। मैं इन दोनों से बड़ा हूँ, हाँ होबी से 12 मिनट का ही बड़ा हूँ, तो मैं ही बोल रहा हूँ। भाभी, हम बहुत छोटे थे जब हमें मॉम डैड छोड़ के चले गए, उसके बाद नमजुन भाई ने हमें संभाल के रखा, लेकिन आपके आने के बाद पता नहीं क्यों मॉम वाला फील होता है। आप जैसे हमारे ख्याल रखते हैं, मतलब दूर से ही जितना ख्याल रखते हैं, हमें पता है आप जब हमारे घर आएंगे तब हमारे लाइफ के सारे प्रॉब्लम आपके बनेंगे, सारे खुशी आपकी बनेगी, पढ़ाई का टेंशन भी आप ही करेंगे, लेकिन हम तीनों भाई कभी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपका सारा काम में हाथ बटाएंगे। आप जब हमें डांटेंगे, हम आपके गोदी में सर रख के रोएंगे। जब नमजुन भाई के साथ आपका झगड़ा होगा, हम तीनों भाई मिलके उनको अच्छे से धोएंगे। हम तीनों भाई ये वादा करते हैं। भाभी, हमारे लाइफ में आपका वेलकम, कभी हमें खुद से अलग मत सोचना। आई लव यू भाभी। हाँ हाँ भाभी, शुगा भाई सही बोल रहे हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, प्रॉमिस। हाँ भाभी, शुगा सही बोल रहा है, वी लव यू। ओ शुगा, तुम इतना फील करते हो, कभी पता ही नहीं चला ये छोटा सा बिल्ला कितना कुछ बोल दिया आज, बाप रे। आई लव यू टू शुगा, और होबी, कुकी, आई लव यू टू मेरा बच्चा। मैं भी तुम लोग से बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे प्यारे बच्चे। हाँ शुगा, मुझे पता था तुम अंदर से बहुत सॉफ्ट हो, आई लव यू टू मेरा बिल्ला। ए बनी, क्या हुआ? चलो कुछ फन करें। ऐसे ही हंसी मजाक, खेल खेल में, प्यार भरी बातें और शरारत से पूरा दिन बीत जाता है। नमजिन बहुत खुश होते हैं और यनमिन एक दूसरे के साथ खो जाते हैं, और तेकुक जैसे उनका काम है, होबी के साथ कांस्टेंट शरारत भरी हरकतें करते रहते हैं। और धीरे धीरे रात होने लगता है और जियोन ब्रदर्स अपने अपने घर चले जाते हैं। आज की स्टोरी बस इतना ही, अब हम लोग स्टोरी का टाइम थोड़ा फास्ट फास्ट स्किप करेंगे, क्योंकि अभी योनमिन और तेकुक मैरिड होने के लिए पागल हो रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, आपका फेवरेट पार्ट कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक